सब्स्टिट्यूशन में डायरेक्शन इफेक्ट है या ओरिएंटेशन इफेक्ट है, मेटा डायरेक्शन इफेक्ट या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, वो ग्रुप्स जिनकी मौजूदगी में इनकमिंग नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट मेटा पोजीशन पे जाए, ऐसे ग्रुप्स को हम मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहते हैं। मसलन NO2 एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अगर आपके पास आता है या COOR आता है या इसी तरह कीटोनिक ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप आपके पास आता है या CN आपके पास आता है सियानो ग्रुप, सो ये सारे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी हो, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी हो या मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग स्पीशी हो, वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। मसलन हम NO2 को एज एन एग्जांपल लेते हैं तो NO2 की मौजूदगी में नाइट्रोबेंजीन जब हमारे पास है, अगर हम नाइट्रोबेंजीन की मजीद नाइट्रेशन करते हैं विद HNO3, सो इसके नतीजे में हमारे पास या तो अर्थो डायनाइट्रोबेंजीन बनेगा, मेटा डायनाइट्रोबेंजीन या पैरा डायनाइट्रोबेंजीन बनेगा। तो इसमें जो डोमिनेंट प्रोडक्ट होगा दैट विल बी मेटा डायनाइट्रोबेंजीन, जो अर्थो है दैट इज ऑलमोस्ट 6%, जो पैरा है दैट इज ऑलमोस्ट 1%, सो डोमिनेंट प्रोडक्ट जो है वो मेटा डायनाइट्रोबेंजीन। इसकी रीजन क्या हो, तो वही दो रीजंस जो हमने पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स में पढ़े कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और स्टेबिलिटी ऑफ द इरिडियम आयन। So, charge distribution को अगर हम देख लें तो नाइट्रो ग्रुप के केस में अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर लें बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, नाइट्रोजन की पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन एक जो है ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स नाइट्रोजन, तो ये वाला NC बॉन्ड भी डबल हो जाता है, ये वाला सिंगल, तो सिंगल ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और नाइट्रोजन और कार्बन डबल बॉन्ड आ जाता है। जैसे ही ये वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो के यहां पे डबल बॉन्ड इधर आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर, इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये वाला डबल बॉन्ड जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया यहां पे डबल बॉन्ड, और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर से शिफ्ट हो गए हैं तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये इधर शिफ्ट हो जाता है, तो यहां पे डबल बॉन्ड बन जाता है, वहां पर वंस अगेन सिंगल बॉन्ड बन जाता है, और ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो के यहां पे डबल बॉन्ड बना लेता है। इसमें अगर आप देखें तो पॉजिटिव चार्ज हमारे साथ या तो ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है या पैरा पोजीशन पे आ रहा है या वंस अगेन ऑर्थो पे आ रहा है, तो अर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी अर्थो और पैरा पोजीशन पे कम हो रही है। तो जब आपके पास अर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कम होगी तो उसके नतीजे में इलेक्ट्रोफाइल जब आएगा तो वो अर्थो पोजीशन पे नहीं आ सकेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन सीकिंग या इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, अर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस वजह से वो ऑटोमेटिकली मेटा पे अटैक करेगा, क्योंकि एज कंपेयर टू अर्थो एंड पैरा मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा है। अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ द इरिडियम आयन की बात करें तो इलेक्ट्रोफाइल अगर अर्थो पोजीशन पे अटैच होता है तो पॉजिटिव चार्ज मेटा पोजीशन पे आएगा, अगर इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे अटैच होता है तो आपके पास पॉजिटिव चार्ज या अर्थो पे आएगा और या पैरा पे आएगा। इसी तरह अगर इलेक्ट्रोफाइल पैरा पोजीशन पे जाता है तो पॉजिटिव चार्ज आपके साथ मेटा पोजीशन पे आएगा। क्लियर, तो इसमें आप देखें कि हमारे पास सबसे स्टेबल केस कौन सा है, सबसे स्टेबल इरिडियम आयन हमारे साथ कौन सा होगा, तो इसमें स्टेबल इरिडियम आयन वो होगा जिसमें इलेक्ट्रोफाइल जो है वो मेटा पोजीशन पे है और पॉजिटिव चार्ज जो है वो या अर्थो या पैरा पोजीशन पे है, क्योंकि अगर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देख लें तो इन द प्रेजेंस ऑफ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स अर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज है, सही है, तो जब इलेक्ट्रोफाइल दूसरा अटैच होगा तो उस केस में स्टेबल आयन स्टेबल इरिडियम आयन तब बनेगा जब आपके साथ पॉजिटिव चार्ज या अर्थो पे आ जाए या पैरा पे आ जाए, क्योंकि दो कंजेगेट दो एडजेसेंट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता, ऑलरेडी एक कार्बन पे लेट से अर्थो पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी इसकी वजह से कम है, सही है, तो अगर इलेक्ट्रोफाइल अर्थो पे अटैच होता है तो अगर ऑलरेडी आपके पास
एक अर्थों पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी कम है तो इसके साथ वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी अगर मजीद कम होती है तो दो एडजेसेंट कार्बन पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी का कम होना बेंजीन रिंग की डिस्ट्रक्शन का बायस होगा, ये मेंटेन नहीं कर सकेगा। सो स्टेबिलिटी के लिए ये जरूरी है कि आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज हो वो वही अर्थों और पैरा पे हो। So, सबसे स्टेबल आयन जो है वो या तो ये वाला होगा या ये वाला होगा, ये दोनों तब आपके पास आएंगे जब आपके पास जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां पे जाए, मेटा पोजीशन पे जाए। सही है? सो दिस आर द रीजन व्हाई सर्टेन ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टेड। क्लियर? अगर इसमें आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो बता दें।